वेलकम क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? टेंस एंड वंस, यानी कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है जस्ट लाइक अ 25, तो हमारा ये वाला साइड कौन सा कहलाता है? वंस का, एंड दिस साइड इज टेंस। येस क्लास, आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द टेंस एंड वंस। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। येस क्लास, प्लेस क्या होती है? प्लेस इज अ पोजिशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज अ नोन एज इट्स प्लेस। प्लेस क्या होता है? यानी कि जैसे कि कोई डिजिट दी हुई है, 57 है, ये टू डिजिट नंबर है। अब इसी 57 में अगर मैंने आपसे पूछा कि 5 की प्लेस क्या है, 5 किस पोजीशन पे है या 7 किस पोजीशन पे है, तो आप क्या बताएंगे? तो इसीलिए हम पढ़ते हैं प्लेस एंड प्लेस वैल्यू की, ताकि हम इजीली डिफाइन कर सकें कि किस नंबर की कौन सी पोजीशन है या वो किस प्लेस पर है। लुक एट दिस एग्जांपल, 57 हियर, 7 हमारा क्या है? 7 इज इन वंस प्लेस एंड 5 इज इन टेंस प्लेस। क्लियर है क्लास? कोई भी डिजिट अगर है तो राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, वो हमारी वंस होती है, एंड आगे का फिर हमारा ये टेंस होता है। क्लियर क्लास? नाउ लुक एट दिस एग्जांपल क्वेश्चन, राइट द प्लेस ऑफ द इन सर्कल डिजिट इन ईच नंबर। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे 63 दिया हुआ है, तो आपसे ये सर्कल किया गया है नंबर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 की प्लेस क्या है। तो हमें पता है कोई भी अगर टू डिजिट नंबर दिया होता है, तो जो हमारा लेफ्ट राइट साइड होता है वो हमारा क्या होगा? वंस। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? टेंस, एंड सो ऑन। इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये हमारा किस प्लेस पे है? वंस। तो हमने यहाँ पे क्या आंसर लिखा? वंस। अब नौ इन अ 35 में अब 5 पे सर्कल किया गया है, तो 5 की प्लेस क्या हुई? 5 भी हमारी किस पे है? वंस पे, ओ एन ई एस, वंस। क्लियर है क्लास? इसी तरीके से 76 में 6 किस प्लेस पे है? ये भी हमारी वंस पे है, तो हमने लिख दिया वंस। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, 97 में क्या है? अब 9 पे का पूछ रहा है, 9 हमारा क्या किया गया? इन सर्कल किया गया है। अब 9 की पोजीशन पूछ रहा है या उसकी प्लेस पूछ रहा है, तो हम क्या बताएंगे? ये हमारी फर्स्ट वाली क्या होती है? वंस होती है, एंड ये नंबर हमारा क्या होता है? टेंस। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? टेंस। इन द सेम वे 12 में 1 की पूछ रहा है, तो 1 किस प्लेस पे है? टेंस। तो वी हैव टू राइट टेंस। नाउ इन 40 में 0 किस प्लेस पे है? वंस पे है, तो हमने क्या लिख दिया इस पे? वंस। नाउ इन अ 24 हमारी किस प्लेस पे है? 4 इज ऑल्सो इन वंस प्लेस। इन 88 में ये हमारा वंस हुआ, एंड दिस इज टेंस, तो ये हमारी क्या हुई? टेंस प्लेस पे। इन अ 59 भी हमारी किस प्लेस पर है? वंस प्लेस पे। क्लास, इट्स अ क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज अ वंस एंड टेंस? नाउ प्लेस वैल्यू। अब हम लोगों ने प्लेस डिसाइड कर लिया। यस क्लास, आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द प्लेस। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है? अब प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे कि हमारी 4 किस प्लेस पर है? जैसे वंस पे है, 4 हमारी वंस प्लेस पे है, तो यही हमारी क्या बता रही है? ये हमारी इस नंबर की वैल्यू बता रही है कि ये किस प्लेस पर है। 6 हमारी किस पे है? इज इन टेंस प्लेस पर है, तो यही हमारी क्या कहला रही है? प्लेस वैल्यू कहला रही है। क्लियर है क्लास? नाउ एग्जाम्पल देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट इन ईच नंबर्स। यहाँ पे भी हम क्या बताना है? प्लेस वैल्यू बताना है। लुक एट द एग्जांपल, 53 में अब देखिए, 3 हमारा किस प्लेस पे है? वंस पे है, और 5 हमारा किस प्लेस पे होगा? टेंस पे होगा। तो ये हमारी 5 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें पता है 5 की हमारी प्लेस वैल्यू क्या हुई? 5 टेंस। हमने क्या लिख दिया इसके लिए? 5 टेंस। और इसको हम फिगर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 50। क्लियर है क्लास? इसी तरीके से ये वाला एग्जाम 21 है। अब 1 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या है? 1 हमारी वंस पे ही है, तो हमने लिख दिया 1 वंस। और इन अ फिगर के फॉर्म में अगर हमने इसको लिखा, तो हम लिखते हैं 1। क्लियर है? अब 74 में भी हमारा क्या है? 7 हमारी किस प्लेस पर है? टेंस पे है, तो यही हमारी क्या हो गई? प्लेस वैल्यू हो गई, तो 7 टेंस। और अगर इनको हमें फिगर में लिखना हुआ, तो हमने क्या लिख दिया? वंस टेंस होता है, तो 7 हमारा क्या हुआ? 70, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 70। नाउ 89
यहाँ 9 हमारे किस प्लेस पर है, वंस प्लेस पे, और इन अ फिगर हमने इसको लिख दिया 9 सिंगल है, तो इसलिए दैट्स वाई ये हमारा 9 इन वंस प्लेस। क्लियर है? इसी तरीके से हमारे बाकी के एग्जांपल्स भी हुए, यहाँ पे भी हमने सेम इसी तरीके से इसको किया है। क्लियर है क्लास, व्हाट इज़ अ प्लेस एंड प्लेस वैल्यू? आई होप यू ऑल आर अ क्लियर। थैंक यू क्लास।